सर एक मिनट सिर्फ, आपके वक्तव्य में केंद्र के पैसे के बारे में आपने बात की कि केंद्र के पैसे से हमारे राज्य में विकास कार्य होता है, लेकिन ये राज्य और केंद्र का झगड़ा कब तक चलता रहेगा? विकास होता ऐसा नहीं मैंने कहा, मैंने कहा केंद्र ने भी आज तक 60,000 करोड़ दिए है, और यहाँ हमारे मोदी साहब कहते हैं केंद्र मदद नहीं कर रहे। हमारा कहना है हम 60,000 करोड़ दिया आज केंद्र ने, वो कहाँ खर्चा किया वो बताइए ना। विकास किसका किया? 60,000 करोड़ लेने के बाद क्या विकास किया? 1.25 लाख करोड़ कर्जा लेकर आप कहाँ खर्चा किया वो बताइए। खाली 4-5 इंडस्ट्री लाकर वो विकास नहीं होता है। यहाँ का गरीबों की क्या स्थिति, जीवनमान कितना सुधार हुआ वो बताना चाहिए। सर एक बात, आपने जो 4-5 उद्योगपतियों के विकास के बारे में बात की, लेकिन उनकी वजह से जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज पूरे राज्य में खड़ी हो रही है और इसकी वजह से रोजगारी बढ़ रही है भी। स्मॉल केस इंडस्ट्री का क्या है या छोटा इंडस्ट्री का क्या है, बंद हो रही है। वहाँ तो ज़्यादा वर्कर होते हैं, जॉब वहाँ ज़्यादा मिलते हैं। बड़े इंडस्ट्री में जितने एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आता है कम से कम लोग को जॉब मिलता है, और छोटे इंडस्ट्री में ज़्यादा मिलता है। छोटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। गुजरात में सरकार किसकी बनेगी? वो वक्त बताएगा ना, वो अभी मैं ज्योतिष। धन्यवाद।